नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। पिछले 2-3 दिन से नीमच में भारी उमस और तेज़ धूप के कारण हर कोई परेशान था। वहीं अगर बात की जाए तो मंगलवार को भी सुबह बादल छाए रहे, लेकिन शाम होते होते काली घटाओं ने ऐसा रुख बदला कि यहां पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितनी तेज़ बारिश नीमच में नहीं हुई, लेकिन आसपास क्षेत्र में जो हमारे पास वीडियो आ रहे हैं, जो हमारे पास खबरें आ रही, ऐसा माना जा रहा है कि इतनी तेज़ बारिश हुई कि जहां ग्रामीणों के जो खेत थे वे पूरी तालाब में नज़र आने लगे। आप मेरे तरफ एक तरफ तस्वीरें चल रही हूं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि नीमच में कितनी ज़ोरदार बारिश हुई है। ये तस्वीरें अगर बात की जाए तो जीरन क्षेत्र के गांव पालसोड़ा, केलुकड़ा, बामनिया और इस क्षेत्र की बताई जा रही है, जहाँ पर जमकर बादल बरसे और यहाँ पर खेतों में पानी पानी नज़र आया। साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से रोड पर पानी भरा हुआ दिख रहा है। यहाँ के जो छोटे नदी नाले हैं वह पूरी उफान पर हैं और खेतों में पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें हमारे जो काली कोटड़ी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं महेंद्र सिंह काली कोटड़ी, उन्होंने हमारे तक पहुँचाई है और उन्होंने ये तस्वीर हमारे तक पहुँचाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी बरसा है, किस तरह से बारिश हुई है और किसानों के चेहरे पर जहाँ खुशी के माहौल है, तो वहीं आम आदमी को उमस से बड़ी राहत मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बादल, जो पानी बरसा है, उससे आप लगता है कितना तेज़ पानी बरसा होगा, जिससे खेतों में तालाब की तरह नज़र आ रहे हैं और जमकर पानी के चलते वहाँ किसानों में खुशी की लहर है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बताई है कि नीमच में जमकर बादल बरसे हैं और जमकर बारिश हुई है।